हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली स्टाइल जिंदगी। और मैं हूँ सुरंजना और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और मैं अभी जा रही हूँ अपने मायके, तो मेरे हस्बैंड जा रहे हैं मुझे ड्रॉप करने के लिए और कुछ दिन वहीं रहने वाली हूँ और वहाँ पर क्या कर रही हूँ सब कुछ मैं शेयर करूँगी। तो चलिए चल करके देखते हैं कि मम्मी ने आज लंच में क्या बनाया हमारे लिए स्पेशल, तो वहाँ जा करके फिर कंटिन्यू करती हूँ। हम पहुंच गए हैं एंड चलिए देखते हैं। हेलो, तो फ्रेंड्स अभी मैं आके पहुंच चुकी हूँ मायके, जैसा कि आपने देखा, और मम्मी ने बनाया है चिकन और अभी फिश फ्राई हो रहा है। चलिए दिखाती हूँ। इसे बाटा फिश कहते हैं, बाटा मछली हम लोग कहते हैं इसे, तो बहुत टेस्टी होता है और इसका फ्राई चावल और दाल के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। चिकन रेडी है, बिरयानी ये मेरे भैया और हस्बैंड के लिए, दोनों बिरयानी पागल हैं। कुछ तो होने वाला है ज़बरदस्त, चलिए देखते हैं लंच। और पापा मेरे लिए खाना सर्व कर रहे हैं। ये बस और नारी टू दाओ ना ना तो दियो ना तो पार्बो ना खेते बस बस। चावल दिया है, मछली मछली दो। ठीक है ना, मैं नीनू बो। चावल, चिकन, फिश फ्राई, दाल, चटनी है। Let's eat. अभी बज रहे हैं 7:30 और मेरे हस्बैंड जा चुके हैं वापस घर। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग का एक प्लान बना है और द प्लान इज़ के हम लोग ने सोचा है कि कल सुबह हम निकलेंगे कहीं घूमने के लिए। तो घूमने के लिए जाना है, इसके लिए अभी पैकिंग करनी होगी जल्दी जल्दी सब कुछ। तो हम लोग जा रहे हैं विष्णुपुर। विष्णुपुर इज़ द बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो हम वहाँ जा रहे हैं, कल सुबह निकलेंगे और 3-4 घंटे का रास्ता होगा और जो कुछ भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी देन एंड देयर। सो कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग, तो अभी सुबह के 8 बजने वाले हैं और ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट बन चुका है। दूसरी तरफ मम्मी ने चाय भी चढ़ा दी है। अभी हम लोग जल्दी से ब्रेकफास्ट करेंगे और नहाएंगे, रेडी होंगे और निकल पड़ेंगे विष्णुपुर के लिए। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग निकल चुके हैं विष्णुपुर के लिए एंड अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं और पीछे मम्मी पापा और इधर भैया ड्राइव करते हुए तो फिर आगे चल के अपडेट करती हूँ कि कैसा है सब कुछ। रोड देखते हैं पहले कैसा है, अभी तक तो ठीक ही लग, देख सकते हैं कि रोड काफ़ी अच्छा है। तो ऐसा ही रोड अगर पूरे रास्ते मिले तो हम लोग 3.5 घंटे में तो पहुंच ही जाएंगे। देखते हैं आगे कैसा रास्ता मिलता है। तो हम लोग अभी थोड़ा सा रुके हुए हैं एक जगह पे, काफ़ी सारी ग्रीनरी है। तो हमें रास्ता थोड़ा ख़राब भी मिला था, बहुत सारे डाइवर्जन्स मिले थे जिस वजह से हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा था पहुंचने में। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम रास्ते में ही कहीं पे लंच कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे विष्णुपुर के लिए।
तो हम पहुंच गए थे बोनालोता रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट, जो कि जयपुर का जो फॉरेस्ट है बिष्णुपुर जाने के रास्ते में ही पड़ता है, उसी के बीच में है ये रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट। तो हम पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं और बहुत अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे, आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं और आप कभी चाहें तो इस रिज़ॉर्ट में आकर के ठहर सकते हैं, यहाँ पे खाना खा सकते हैं। इट्स अ वंडरफुल रिज़ॉर्ट एंड आई विल शेयर इस रिज़ॉर्ट का थोड़ा बहुत सीन्स इन माय अपकमिंग वीडियो। तो पेट पूजा करने के बाद हम फिर निकल गए बिष्णुपुर के लिए, और ये है वो जंगल फॉरेस्ट जो हम क्रॉस कर रहे थे, जयपुर का जंगल। और हम फाइनली पहुंच गए हमारे होटल। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुंच गए हैं विष्णुपुर के होटल रूम में। सो दिस इज द होटल रूम, इट लुक्स लाइक दिस। इस होटल का नाम है होटल लक्ष्मी पार्क, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले देखा मेरे वीडियो में, और हमने पहले से ही इसे बुक कर लिया था फ़ोन करके, क्योंकि हम पहले भी विष्णुपुर आ चुके हैं, तो इसीलिए हम लोग इसी होटल में ठहरे थे पहले भी जब भी आए हैं हम लोग। तो शाम को हम लोग रेडी होकर के निकल गए थे माँ छिन्नमस्तिका मंदिर के लिए, हमें पूजा देना था इसलिए। तो विष्णुपुर इज़ अ सिटी ऑफ टेम्पल्स, तो हमने सोचा कि छिन्नमस्तिका मंदिर और एक माँ मृण्मयी के मंदिर में हम लोग पूजा देंगे। तो छिन्नमस्तिका मंदिर हमने रात में ही सोचा कि हम जा कर के पूजा दे देते हैं, तो इसलिए हम लोग निकल पड़े थे वहाँ के लिए। ऑल्सो विष्णुपुर इज़ फेमस फॉर इट्स टेराकोटा एंड स्टोन आर्ट्स, इनफैक्ट यहाँ के टेम्पल्स भी काफ़ी सारे टेराकोटा और स्टोन आर्ट से बने हुए हैं, एंड स्कल्पचर्स आर जस्ट वंडरफुल। तो आप अगर विष्णुपुर आते हैं तो टेराकोटा के सामान आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। एंड विष्णुपुर इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स बालूचोरी साड़ीज एंड फेमस विष्णुपुर सिल्क। मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना दिख रहा होगा क्योंकि मैं अंधेरे में रिकॉर्ड कर रही हूँ। इस तोप कमान ओरिजिनल दैट वाज यूज्ड हियर, और इसे अभी शोपीस के तरीके से रखा गया है। पूजा दे करके लौट चुके हैं और आज बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं, एक तो इतना जर्नी था ऊपर से मंदिर तक जाना एंड वहाँ से आकर के। तो अभी तो रात हो गया है, खाने का भी ऑर्डर दे दिया है, इट्स ऑलमोस्ट 9 PM राइट नाउ, तो कल मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अगले दिन हम निकल गए थे माँ मृण्मयी के मंदिर में पूजा देने के लिए, और फिर शाम को थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी, पर शॉपिंग मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई अनफॉर्चुनेटली। तो चलिए अभी देखते हैं कि माँ मृण्मयी का ये मंदिर जो है ये कैसा है। हम लोग आए हैं माँ मृण्मयी के मंदिर, माँ मृण्मयी मतलब माँ पार्वती की ही रूप है। तो यहाँ पे आकर के पूजा दे दिया है एंड अभी भैया और मम्मी कुछ ख़रीदारी कर रहे हैं, मैं आ गई हूँ थोड़ा सा आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए ये ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे दुर्गा पूजा विष्णुपुर में फर्स्ट दुर्गा पूजा यहीं पे हुआ था माँ मृण्मयी मंदिर में, और तब से अभी तक हो रहा है। तो
चलिए थोड़ा सा टूर देख लेते हैं मंदिर का। बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है ये मंदिर, और ये पेड़ आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, मैं पूरा कवर भी नहीं कर पा रही हूँ, इतना बड़ा पेड़ है। और इस पेड़ के उस तरफ ही है मंदिर। ये एरिया इतना बड़ा था कि पैदल चलते हुए वीडियो करते हुए काफ़ी टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आप लोग बोर ना हो जाएं। देख सकते हैं एक तालाब है, इस तालाब में पहले रानियाँ आती थी नहाने के लिए, अभी तो यहाँ जाने लायक है नहीं, पर पहले रानियाँ यहाँ आती थी। यहाँ पे पूरा घाट बना हुआ है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ जूम करके। देख सकते हैं यहाँ पे घाट बना हुआ है और बाकी तो पेड़ से बिल्कुल ढक गया है, तो इसलिए देखना थोड़ा मुश्किल है, पर यहाँ पे रानियाँ आती थी स्नान करने के लिए। और फिर वहाँ से हम माँ तारा के मंदिर में गए थे, ये नया मंदिर है जो यहाँ पे तैयार हुआ है, तो इसलिए हम लोग चले गए वहाँ पे थोड़ा दर्शन करने के लिए। और उसके बाद हम लोग लौट गए थे होटल, और जैसा आपको बताया कि शाम में फिर शॉपिंग की थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने रिकॉर्ड कुछ नहीं किया, तो यहीं तक शेयर कर पा रही। और अब वापस घर जाने का समय हो गया था, तो लौटते वक्त हमने वापस जयपुर जंगल के बीचों बीच जो बोनलाता रिज़ॉर्ट है वहीं पर लंच किया था, और वहाँ पे कुछ सीन्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, एंड अगर आप अभी तक देखते हुए एंड तक आ पहुँचे हैं तो प्लीज़ एक लाइक करके जाना मत भूलिएगा, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माई फ्यूचर व्लॉग्स। तब तक के लिए सायोनारा, गुड लक एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ्स। बाय बाय।